हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैंने खाने से ही वीडियो का स्टार्ट किया है और आज बना रहे हैं खाने में अरवी की सब्जी। तो यहाँ पर अरवी उबाल ली है और हरी मिर्च काट ली है, हींग ले लिया है और प्याज लहसुन पीस लिए हैं और उसी में सारे जो सूखे मसाले हैं वो डाल लिया है। तो मम्मी यहाँ पर अरवी की सब्जी बना रही है, मसाले वाली अरवी, मतलब सूखी अरवी नहीं, पानी वाली बनाएंगे और जो कि खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो कढ़ाई में डाल लिया है सरसों का तेल और सरसों के तेल को अच्छे से गर्म कर लेना है जब तक उससे धुआं ना आने लगे। और धुआं आने लगे तो आप उसमें डाल दीजिए अजवाइन, क्योंकि अरवी को जो है अजवाइन में छोंक लगाया जाता है। थोड़ा सा डाल दिया है इसमें हींग और बस इन सबको डालने के बाद में जब जो अजवाइन है बहुत जल्दी से चटक जाती है, अजवाइन ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगता है और ज़्यादा इसको भूनना भी नहीं, फिर ये फूक जाती है, जल जाती है, जिससे कि सब्जी में भी एक कड़वापन सा आ जाता है। तो आप इसमें जल्दी से सारे जो आपने मसाला तैयार करके रखा हुआ था वो मसाला इसमें डाल देना है। तो मसाला डालने के बाद में उसको अच्छे से पका लेना है जब तक कि तेल मसाले से अलग ना हो जाए। बस जब तेल अलग हो जाए तो आप उसमें डाल दीजिए अरवी। और अरबी डालने के बाद में जितना आप तरी वाली सब्जी खाना पसंद करते हो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें पानी डाल सकते हो। तो इसमें पानी डाल दिया है और बस इसको अच्छे से खदका लेना है अभी। जब ये अच्छे से खदक जाएगा इसकी जो तरी है वो थोड़ी सी टाइट सी हो जाएगी और खाने में बहुत ज़्यादा, मतलब पतली सब्जी खाने में टेस्टी लगती है, सूखी भी लगती है। बट हमने आज पतले वाली बनाई थी, मैंने सोचा चलो आज इसी की रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। और इसमें हरी मिर्च भी डाल दी है और दूसरी तरफ बनाया है दलिया गोपाल जी के लिए। गोपाल जी के लिए क्या, सभी के लिए बनाया है, क्योंकि दलिया बहुत अच्छा होता है गर्मियों में खाना और सेहत के लिए भी बहुत बढ़िया होता है। अरवी की सब्जी भी बन गई है, दलिया भी बन गया है और आटा लगा करके भी रख दिया है। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। और आज दिन है, आज दिन क्या है, आज दिन है थर्सडे। और अभी खाना पीना खा करके मैंने सोचा चलिए आप लोगों से बात कर लेते हैं। तो आज खाने में बनाया था अरवी की सब्जी और दलिया बनाया था, उसके साथ में गोपाल जी के लिए भोग लगाने के लिए बनाना पड़ता है तो भोग के लिए दलिया बनाया था। और सोचा दो मिनट आप लोगों से बात करती हूँ। अभी दोपहर का टाइम हो रहा है तो दोपहर में थोड़ी सी देर रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं। गांव में बहुत जल्दी ही दोपहरी में ये है कि हाँ आराम करना ही करना है। वहाँ पे तो ना मुझे आराम ही नहीं मिलता था, पता ही नहीं चलता था कि कब दोपहर हो गया और कब इवनिंग हो गया, क्योंकि यहाँ पर काम वाम इतना ज़्यादा है नहीं। मैं सिर्फ इस टाइम पर सिलाई का काम कर रही हूँ, सूट वूट सिल रही हूँ अपने, मेरे तो सारे सिल गए हैं, अभी भाभी के सिल रही हूँ और फिर उसके बाद में एक दो सूट मम्मी का भी है, क्योंकि फिर मेरा पता नहीं मैं कब में को निकल जाऊँ, क्योंकि दिल्ली से सामान आएगा बहुत सारा, शिफ्टिंग विफ्टिंग का आप लोग अच्छे से समझते ही हो कि कितना बड़ा काम होता है शिफ्टिंग का। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि आप रीज़न बताइए कि आप दिल्ली क्यों छोड़ रहे हो, आपने कोई रीज़न तो बताया ही नहीं। तो देखिए रीज़न क्यों मैं एंड में बताऊँ, मैं अभी बता देती हूँ। रीज़न सबसे बड़ा ये है कि फैमिली वालों का तो बिल्कुल भी मन ही नहीं मान रहा, ना ही मेरे घर वालों का मन मान रहा है और ना ही मेरे ससुराल वालों का, कि हम दिल्ली में रहें। और फिर हमारे पास में ऐसा कुछ वो रीज़न नहीं बचा है अभी दिल्ली में रहने का कि हम वहीं पर रहें। हमारा बहुत टाइम से मतलब था दिल्ली को छोड़ने का, बट इनकी जॉब की वजह से हम दिल्ली में रह रहे थे। मुझे दिल्ली में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं, मैं सच में बताऊं मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है दिल्ली में रहना। मुझे ये अपना वाला जो एरिया है ना, यूपी वाला जो एरिया है, मुझे सबसे ज़्यादा जो खुशी मिलती है रहने में वो इधर ही मिलती है। तो दिल्ली छोड़ने का जो था हमारा बहुत पहले से, मैंने आप लोगों के साथ में बहुत बार अपनी वीडियो में भी शेयर किया है कि हमें दिल्ली में नहीं रहना है, छोड़ना है। बट ये नहीं पता था कि लॉकडाउन में ऐसा विचार बन जाएगा या ऐसा वो हो जाएगा कि हम बिल्कुल दिल्ली को छोड़ ही देंगे, यहाँ पर आए। ऐसा हो गया कि 3 बजे जिस दिन हम घर से निकले थे, जब मैं यहाँ पर आई थी,
3:30 बजे हमने जो है वो दिल्ली छोड़ दी थी, और मुझे ये भी नहीं पता था जिस दिन मैं घर से निकली थी कि शायद मैं अब वापस यहाँ पर नहीं भी आऊँगी, क्योंकि सामान लेने भी मैं नहीं जाऊँगी, यही जाएंगे क्योंकि मूवर्स एंड पैकर्स से बात की है तो वो सारा सामान पैक कर लेते हैं और उसमें ज़रूरत नहीं होती है, तो यही जाएंगे। बोले कि दिल्ली के वैसे भी हालात अच्छे नहीं हैं, तो मैं क्या करूँगी फिर वहाँ पर जा कर के। सो इसीलिए रीज़न, मेन रीज़न ये है कि हमें दिल्ली में अब रहना नहीं है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है इतना, मतलब प्रदूषण, इतना करप्शन, मतलब बाहर निकलने में भी आप लोग सेफ नहीं हो, तो मुझे दिल्ली में रहना वैसे भी पसंद नहीं है। अब तो फैमिली वाले भी नहीं माने, और हमारे पास में एक भी रीज़न ऐसा नहीं है कि हम दिल्ली में रहें। तो जब रीज़न ही नहीं है, क्योंकि इनका मेन काम क्या था कि इनको कोर्ट भी करना होता था और जॉब भी करनी होती थी, तो इनके दोनों काम साथ साथ में नहीं हो पा रहे थे। जॉब पे ध्यान दो तो कोर्ट का काम छूटता है, और अगर कोर्ट पे ध्यान दो तो जॉब छूटती है। तो इस टाइम पे अब इनको पूरा जो फोकस है अपना वो कोर्ट पर देना है, क्योंकि इनका जो फ्यूचर है वो जॉब नहीं है। हमें जॉब जो है वो हम अपने, आप लोग समझ ही सकते हो, जब बाहर रहते हैं तो बहुत सारे खर्चे होते हैं, बहुत सारा मतलब कमरे का किराया, दूध, बच्चों की पढ़ाई और भी घर के बहुत सारे खर्चे होते हैं, उनको मैनेज करने के लिए जॉब करना ही पड़ता है। बट अब क्या है कि अब इनको पूरा फोकस, क्योंकि अगर हम अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचेंगे, अभी के बारे में सोचेंगे कि बस अभी का खर्चा निकलना चाहिए, बाद का पूरी लाइफ ऐसे ही घिसट घिसट के चलती रहती है। तो अब इनका मेन काम जो है, मेन जो चीज़ है ना, वो इनका ये है कि मुझे अपना फ्यूचर बनाना है। तो फ्यूचर तभी बनेगा जब ये जॉब छोड़ देंगे, तो क्योंकि इनको पूरा टाइम कोर्ट को देना है और जुडिशरी का इनको जो है एग्ज़ाम निकालना है। जुडिशरी का यानी कि जज का इनका सबसे ज़्यादा वो है, इन्होंने जब फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया था तब भी ये 3 नंबर से रह गए थे, इन्होंने बहुत मेहनत की थी उस टाइम पर भी, बहुत ज़्यादा मेहनत की थी बट 3 नंबर से रह गए थे। तो इनका वही है कि इनको जुडिशरी करनी है और कोर्ट का देखना है। तो जब इनका फ्यूचर भी, हमें अपना फ्यूचर देखना है, अभी का सोच करके हम अपना वो वाली लाइफ नहीं जी सकते हैं। तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों से आज थोड़ी सी देर बात कर करके, स्टार्टिंग में ही बात करके पूरा रीज़न जो भी है दिल्ली छोड़ने का क्या है वो बता देती हूँ। हमको अपना फ्यूचर अच्छा करना है इसलिए हम दिल्ली छोड़ रहे हैं, और वहाँ पर रह करके सच में बताऊँ दिल्ली में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, और अब जब जॉब छोड़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमको वो करनी होगी, तो इसीलिए हम दिल्ली छोड़ रहे हैं। हमको दिल्ली में रहना नहीं है, हमको अपना फ्यूचर अब आगे का देखना है कि हमको कैसे कैसे हम अच्छा एक अपना अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं, क्योंकि हर इंसान सोच करके चलता है फ्यूचर के बारे में। हर लोग, हर इंसान सोचता है और सोचना भी चाहिए, हर इंसान को सोचना चाहिए। आज में नहीं जियो, कल के बारे में भी सोचो, जो हो गया उसके बारे में तो बिल्कुल भी मत सोचो, बट जो आने वाला कल है उसके बारे में इंसान को हमेशा सोचना चाहिए, उसको बेहतर बनाना, बच्चों की लाइफ के बारे में सोचना, बच्चों की पढ़ाई के बारे में सोचना, ये सब चीज़ें सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारी बात हो गई है आप लोगों से, बट जब ऐसा कुछ चीज़ें होती है ना तो बहुत सारे डाउट्स आ जाते हैं मन में, उन सभी डाउट्स को क्लियर करना भी मेरा ही काम है। तो मैंने सोचा बेशक आज 2-4 मिनट ऊपर बात हो जाए, बट डाउट्स नहीं होने चाहिए और क्लेरिफिकेशन पूरी होनी चाहिए। तो चलिए आगे का वीडियो आगे स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम आए थे छत पर और थोड़ी सी देर टहलने के लिए, मन करता है ऊपर आने को भी छत पर हमारे यहाँ पर बंदर इतने ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा मतलब इतनी बुरी हालत है बंदरों की, आती ही नहीं है छत पर, वरना खुला खुला अच्छा लगता है। और आसपास में हमारे घर के बहुत सारे खेत ही खेत हैं, खुले खुले में रहना मतलब पहले से ही हमें तो आदत है, जब से दिल्ली चले गए जब से ही थोड़ा सा उन सब चीज़ों में फंस गए हैं। थोड़ी सी देर में टहली थी, बट डंडा मेरे हाथ में था ताकि बंदर आए तो हम झटपट से नीचे भाग लें। चल खाएगी आलिए भैया, पूरा पूरा का पूरा खानदान है।
एक आधे से तो बच भी जाएंगे, इतने सालों से नहीं बचे जाने का। हाँ अभी यहाँ पर रख रहे हैं चने उबालने के लिए, और चने फ्राई करके बहुत टेस्टी लगते हैं। तो ये इवनिंग के स्नैक्स में बनाए थे, मम्मी ने ये भिगो करके रख दिए थे रात में ही। तो अच्छे से इनको धुल करके उबलने के लिए रख देना है। थोड़ा सा इसमें नमक डाल दिया है, खाने का सोडा डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप धीमी आँच पर इनको पकाते हो तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, अच्छे से उबल जाते हैं ये। तो बस यहाँ पर चने डाल दिए हैं, नमक डाल दिया है, अब इनको 4 से 5 सीटी लगाने तक उबाल लेना है। और जो भी बर्तन हुए हैं भाभी उनको साफ़ करिए। और कुछ मुझे कमेंट आ रहे थे कि जहाँ पर हमारा इंडक्शन है वहाँ पर आप कुछ लगा लीजिए, तो वो मैं देखती हूँ, कल मैं देखूँगी उस पर, वहाँ पर एक पन्नी लगा लेंगे जिससे कि वो ज़्यादा गंदा, क्योंकि सब्जी वब्जी को छोंक लगाते हैं ना, तो उस वजह से वो वहाँ पर इतना ज़्यादा तेल तेल सा गंदा सा हो रहा है। तो यहाँ पर चने जो है मम्मी ने फ्राई किए थे, मैं और मम्मी यहाँ पर बैठे हैं, और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगते हैं और हेल्दी भी। आज मैं आप लोगों के साथ में जितनी भी रेसिपी है ना, सारी हेल्दी हेल्दी की शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर नींबू काट लिए हैं, हरी मिर्च, प्याज कट करके रख ली है, और खीरा भी कट किया था। तो उसमें सारी चीज़ें डाल करके पहले इनको फ्राई कर लेना है। तो फ्राई करने के लिए कढ़ाई में डालना है तेल, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा मेरे घर में सबसे ज़्यादा सरसों का तेल ही यूज़ किया जाता है सब्जी बनाने के लिए। तो सरसों का तेल इसमें डाल लिया है, थोड़ा सा डालना है इसमें जीरा, और जीरा डालना है, और हींग तो डालते ही हैं, हमारी हर सब्जी में हींग होता है और डालना भी चाहिए, ठीक होता है, मतलब हेल्थ के लिए अच्छा होता है हींग। तो इसमें हींग डाल दिया है, हल्दी, नमक, मिर्च, ये सारे मसाले डाल दिए हैं, हरी मिर्च और प्याज भी डाल दी है, और ये जो चने किए थे फ्राई वो भी इसमें डाल दिया। और ऊपर से डालना है इसमें काला नमक और चाट मसाला, ये भी आप डाल के अच्छे से इसमें मिक्स कर लेना है। चाट मसाला काले नमक से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और चाट मसाला भी जो है वो इसका टेस्ट जो है वो दुगना कर देता है। ऊपर से इसमें अच्छे से नींबू को निचोड़ देना है, पूरा एक नींबू इसमें ऊपर से अच्छे से निचोड़ दिया था। तो हमारे जो है वो फ्राइड चने जो है वो बन करके तैयार हैं, खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, और गर्मियों में ऐसे ऐसे चीज़ कुछ ज़्यादा ही खानी चाहिए, देखने में भी कितने अच्छे लग रहे हैं। तो बस इसमें ऊपर से आपको थोड़े से खीरे डाल लीजिए, अगर आप टमाटर भी खाते हो थोड़े से टमाटर, प्याज डाल लीजिए बारीक बारीक काट करके। तो हो गया ना इवनिंग का स्नैक्स तैयार, और हेल्दी भी है और झटपट से बन भी जाता है। तो आप लोग भी खा लीजिए। नहीं लगती पापा जी आए नहीं क्या खेत में से भी? अरे यू क्या है पापा, क्या है इससे, क्या होगा डरा दिया ये? ऐसे तो पापा मशीन मुजफ्फरनगर में सैनिटाइज करने की लग रही, ऐसी मशीनों से ही तो कर रहे सैनिटाइज भी है। हाँ वहां से मुजफ्फरनगर में वो लगा रखे ना अभी फुहारे सैनिटाइज रोड पे ही। मम्मी ने इवनिंग स्नैक्स बनाया है। पापा कैसे बने? बढ़िया। शाम का टाइम हो गया है, मतलब शाम हो चुकी है, और आज शाम के खाने में हम बना रहे हैं सूजी की खीर और पराठे। कर लेंदे बना लेंदे भाई, वीडियो ही नहीं बना देता बिल्कुल भी। हो रेपेटूसा
तो आज शाम के खाने में हम बना रहे हैं, इवनिंग के स्नैक्स में मम्मी ने बनाया था आज जो चने होते हैं काले वाले चने, उनको अच्छे से फ्राई व्राई करके बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। और शाम के खाने में आज हम बना रहे हैं सूजी की खीर और उसके साथ में पराठे, और मिर्च जो है वो छोंक करके रखी हुई है। तो अच्छा लगता है, आज थोड़ा सा सिंपल सा हल्का सा खाना पीना हो जाएगा। तो चलिए अभी खाना पीना खा करके आप लोगों से फिर बात करते हैं। तो अभी बना रहे हैं सूजी की खीर। तो कढ़ाई में डाल लिया है घी, अच्छे से खूब सारा घी डालना है, और घी को गर्म होने के बाद में इसमें डाल देनी है सूजी। सूजी को आप अच्छे से, चाहे कितनी भी अच्छी क्वालिटी की हो, उसको अच्छे से पहले चेक करना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि सूजी में ना वे सफ़ेद सफ़ेद सी जो पिड़ाई बोलते हैं वो बहुत जल्दी हो जाती है। तो यहाँ पर रखा हुआ है दूध, सूजी को अच्छे से भून लेना है जब तक कि उसका कलर ना चेंज हो जाए, जब तक उसमें से खुशबू ना आने लगे भूनने की। और बस जब ये भून जाए तो इसमें डाल देना है दूध, और साथ के साथ में चलाते रहिए। सूजी की खीर में प्योर जितना दूध डालते हैं उतना ही अच्छा टेस्ट आता है बिल्कुल। और इसको अभी थोड़ी सी देर के लिए चलाते रहें, बहुत जल्दी से बन जाती है, इसमें टाइम भी कम लगता है। तो यहाँ पर गोला कस रहे हैं भाभी अभी, जब तक उसमें थोड़ा सा जो गैस का फ्लेम है वो धीमा कर दिया है, वो धीरे धीरे उबलती रहेगी। तो इसमें डाल दिया है अच्छे से गोला। गोला डालने का एक अलग ही गेरा, सही बता, ओ सच में ने मगेर दिया। तो अभी जो है खाना बन करके हो गया है तैयार, और मम्मी ने बनाए हैं तीखूटे पराठे। ना ही मुझसे आते हैं बनाने, और भाभी से भी नहीं आते, क्योंकि हम तीखूटे बनाने के चक्कर में उनका कुछ और ही नक्शा बना देते हैं। तो मम्मी यहाँ पर पराठे बना रही है, भैया को दे दी है थाली लगा करके। और तो इसी के साथ में मैं इस वीडियो का यहीं पर एंड करूँगी। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ये पराठे बनाने आज तक नहीं आए, या तो मेरी नानी बनाती है या मम्मी बना लेती हैं, पर मुझसे भी नहीं बनते और ना ही भाभी से बनते हैं। तो मम्मी यहाँ पर उनको बेल रही है और भाभी सेक रही है। तो चलिए अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देंगे। अगर आप लोगों का कोई भी कमेंट है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मैं मिलूँगी आप लोगों से एक अच्छे से वीडियो के साथ में। और दूसरी चीज़ ये है, एक दो कमेंट आ रहा था सस्पेंस का, तो प्लीज़ पूरी बात को पहले सुन लीजिए, और इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों से सारी बातें की हैं। तो चलिए फिर, बाय बाय, गुड नाइट, ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए।